तो भाई जब से दिव्या ने मुझे न्यूज़ सुनाई थी कि हाँ हमारा ये लेटर आ गया, तो तब से काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और सुबह सुबह उठ गया था आज, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आई कल रात को ढंग से। चलिए अब इसको फाड़ते हैं। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर विचार के साथ, जो की है कामयाबी सुबह की जैसी होती है, जो मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। दोस्तों कल मैं ऑफिस में था तो घर पे एक स्पीड पोस्ट आया, जो कि बहुत खुशी की बात है आपके और हमारे दोनों के लिए, क्योंकि चैनल में थोड़ा सा ग्रोथ ओवर हो गया है, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है गूगल की तरफ से एक लेटर, जो कि है क्या होने वाला है। मैंने आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो जी हाँ हमें आ गया है पिन। अब हम इसको गूगल से मतलब यूट्यूब से वेरीफाई करेंगे, हमारा एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा और फिर पैसे आने लग जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं आएंगे लेकिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई जब से दिव्या ने मुझे न्यूज़ सुनाई थी कि हाँ हमारा ये लेटर आ गया, तो तब से काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और सुबह सुबह उठ गया था आज, सोचा यार क्या ज़्यादा वेट करना, सुबह सुबह उठ गए थे, आप इसको जल्दी से फाड़ते हैं और फिर ऑफिस में जाके इसको वेरीफाई कर दूंगा। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आई कल रात को ढंग से। चलिए अब इसको फाड़ते हैं। कहाँ से फाड़ो, दे तो रखता है इसमें, वहाँ से लाइक दिस, वही ढंग से फटना भाई। इतनी खुशी किसी चीज को फाड़ने की कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। एंड गाइस इसको मैंने अप्लाई किया था लगभग 1 वीक से कम ही हो गया, 1 वीक से कम ही हुआ है, 1 वीक के अंदर ही आ गया ये। तो आप लोग भी जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए एक चीज माइंड में रहेगी, हाँ ये 1 वीक के अंदर आ जाता है, तो ऐसा कुछ है। ओके वाह, नंबर मैं आपको छुपा देता हूँ, लेकिन ऐसे कुछ अंदर की तरफ से होता है। तो अब इस नंबर को वेरीफाई करेंगे, चलिए अब चलते हैं नीचे। वाह यार मजे आ गए, ऐसा लग रहा है कुछ स्पेशल अचीव कर लिया है। एक छोटा सा ही सही, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ बहुत अच्छा स्पेशल अचीव कर लिया है। और गाइस अभी हो रही है हमें ऑफिस के लिए लेट, क्योंकि मैंने प्रेस के लिए शॉर्ट भी निकाल लिए, तो फटाफट से तैयार होते हैं ऑफिस के लिए, फिर आपको डायरेक्ट ऑफिस पे ही दिखाएंगे कैसे हम गूगल से वेरीफाई करते हैं। तो गाइज ये है हमारी न्यू बाइक, और अभी जस्ट मैंने सोचा कि मैं इसका नाम रखता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, घर से तो मैं निकल चुका था, तो मेरे को रास्ते में ध्यान आया यार वीडियो भी तो बनानी थी। एक्चुअली मैंने बैग में रख लिया था कैमरा, और अभी मेरे को ध्यान आया तो मैंने साइड में रुक के लगा लिया। और कुछ ऐसा व्यू आ रहा है हमारी न्यू बाइक में। तो अभी जस्ट ऑफिस जा रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑफिस जाते जाते बनाएंगे, और ऑफिस में जाके अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक चीज़ समझ में आती है यार, भाई साहब रेड लाइट पे तो रुक जाओ, रेड लाइट हो रही है भाई, रेड लाइट हो रही है। कुछ लोग तो रुक जाते हैं लेकिन कुछ लोग रुकते ही नहीं है, हीट है मानेंगे नहीं। दोस्तों अभी एक चीज़ हो रही है मेरे साथ, अभी ना थोड़ा स्लो चलाना है, बाइक न्यू है ना तो सर्विस जब तक हो नहीं जाती है पहली, और दूसरी तो पहली खासकर तो आप तेज़ नहीं चला सकते, 40 से 50 की स्पीड में चलाना, और ऐसा लग रहा है जैसे बैलगाड़ी चला रहा हो। लेकिन कोई नहीं, बाइक की लाइफ के लिए ज़रूरी है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। कई लोग एक्साइटमेंट में चला देते हैं तेज, और उससे आपके इंजन को आपके बाइक के इंजन को प्रॉब्लम हो सकती है।
तो जो कंपनी ने रूल्स सेट किए हैं तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए, उससे हमारी बाइक की लाइफ ज़्यादा हो जाती है और इंजन अच्छे से ग्रो करेगा। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. ये वाला एरिया देखो कितना मस्त है ना, ये पंजाबी बाग के अंदर क्या एरिया है। यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं और ग्रीनरी भी बहुत है, पार्क वगैरह सब अच्छे से है, काफ़ी पॉश इलाकों में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर भी गाय मिल जाएगी रोड पे खड़ी हुई, लेकिन कुल मिला के देखो तो काफ़ी अच्छा है एरिया। तो पहले मैं ये वाली बाइक लेने की सोच रहा था, ये जो आगे जा रही है ना होंडा की SB125, तो लेकिन मैंने फाइनली जो डिसाइड किया वो ये किया कि हम लेंगे TVS रेडर। बहुत टाइम सोचा यार, कम से कम पता नहीं कितनी वीडियो देखी होंगी मैंने कंपैरिजन की वगैरह वगैरह, क्या क्या फीचर्स है दोनों में, और कई काफ़ी लोगों से डिस्कशन करने के बाद, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया भी था, दो फ्रेंड हैं जिनमें एक के पास रेडर थी और एक के पास SP125, तो दोनों ने मुझे यही बोला कि भाई रेडर इज़ बेस्ट। तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में ये था यार, जो पुरानी वाली बाइक है ना उससे थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए, तो वो TVS रेडर में था, SP125 में उतना नहीं था, था तो सही लेकिन उतना नहीं था, मतलब लुक्स वगैरह के हिसाब से। और भी जो काफ़ी सारे फीचर्स इसमें है ना रेडर में, वो SP125 में तो है ही नहीं। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो अगर मुझे ड्रीम योगा से अपग्रेड करना चाहिए था तो वो TVS रेडर में ही करना चाहिए था, ना कि SP125 में। तो वो तो अब आगे चल के पता लगेगा कि हमारा डिसीजन सही है या गलत, आई होप सही ही हो। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ऑफिस, और ये है अपना ऑफिस। ओहो, यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी। I'm a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all. तो ये है हमारा वर्क स्टेशन, और अब अपने पिन को डालते हैं, ईमेल आ रखी अपनी, वेरीफाई योर एड्रेस, चलिए अब वेरीफाई करते हैं। Plans are contagious. I attack that shit. I'm tenacious. And if you ain't get the fuck out of my way, then. तो गाइस एड्रेस वेरिफिकेशन तो हो गया है कंप्लीट। तो गाइस ऑफिस में आ गया था, और जो हमारा काम था पिन वेरीफाई करना, आज हमने पिन वेरीफाई अपना कर लिया है, आपने देखा ही होगा, और काफी अच्छा लगा। पिन आ गया तो संतुष्टि मिल गई एक, और अब और मेहनत करनी है, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने $100 पूरे कर पाए और हमारी पहली पेमेंट यूट्यूब की आ पाए। तो बने रहिए वीडियो में, आगे भी देखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगा हो। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिए।